उसको भी चक्कर आ रहा है और मैं पड़ा हूँ बेड पे, तो कुछ ऐसा सीन है अभी। बताने माँ दुर्गा क्यों नाराज हो गई। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी आज है नवरात्रि और नवरात्रि का आज है पहला दिन, तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत मास का नवरात्र है। माँ भगवती से मैं प्रार्थना करती हूँ संसार में सबका कल्याण हो, सबका बाल बच्चा सुखी और आनंद से रहे, उसके साथ हमको भी रखेंगे। पहला दिन है, माँ भगवती के शरण में जाके हाजिरी दे दो ताकि उनकी दया सदैव बनी रहेगी। हम जा ही रहे हैं, पास में ये मंदिर है, वहाँ चले ही जाएंगे, क्योंकि हम वही हाजिरी जो देते हैं भोलेनाथ और माँ के चरण में, इसलिए धरती पर हमको किसी भी तरह का डर नहीं है। हमको लगता है कि समय को समय वो खड़े रहते हैं। चलने वाले हैं जी मार्केट, तो मार्केट में जो है कुछ सामान तो लेना है ही, साथ ही मंदिर भी चल लेंगे। और साथ ही जो है जिया का भी एक काम है, जिया का आधार अपडेट करवाना है। एड्रेस तो चेंज हो गया जिया का, लेकिन उसका जो डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसमैच है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ का भी करेक्शन करवाएंगे। इस वजह से जो है जिया का पासपोर्ट अभी तक बन नहीं पाया है। जिया का जो पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन हमने दिया था वह जो है रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर डेट का मिसमैच था। मैट्रिक के डॉक्यूमेंट से ना पैन कार्ड का डेट मैच कर रहा और ना आधार कार्ड का डेट मैच कर रहा है, तो आज जा करके पहले उसको करेक्ट करवाएंगे। जी अभी आए हुए थे दुर्गा मंदिर, पूजा करके बाहर आ गए हैं। जिया अभी भी वहाँ पूजा कर रही है, तो पूजा करके आएगी, फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग मार्केट। तो जी हमने तो ले लिया प्रसाद, अब चलते हैं बाहर, जा करके प्रसाद को खाते हैं, फिर निकलते हैं मार्केट के। जिया का फोटो एक बार फिर से अपडेट हो रहा है, 3 महीने पहले ही अपडेट हुआ था दादा। तो करेक्शन के लिए जी हमने भर दिया है फॉर्म, तो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता में जो हो जाना चाहिए करेक्ट, बाकी जा करके देखते हैं। वैसे जब लास्ट बार हमने करेक्शन के लिए दिया था तो लगभग 3 महीने बाद चेक करने आए थे हुआ कि नहीं, तो तब तक तो हो ही चुका था। तो वहाँ से तो आगे जी अब निकल रहे हैं घर की तरफ, तो घर की तरफ निकल ही रहे थे तो रास्ते में दिख गया फल का या रेडी, तो कुछ फल उठा लेते हैं यहाँ से। जिया अभी छाट रही है, जिया को मेरा सिलेक्शन जो है मुझे गड़बड़ लगता है, देखते हैं खुद कैसा सिलेक्ट करती है। गड़बड़ी लेके जाते हैं, देखते हैं इस बार तुम सिलेक्ट कर रही है कैसा लेती है। जी अभी बज रहे हैं शाम के 7 और माँ को लेकर के आए हुए थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। सुबह में जिया को लेकर के आए थे और अभी माँ को लेकर के आ गए, तो इसके बाद अब चलते हैं सीधा घर। नेक्स्ट डे जी अभी जिया का कर रहे थे बीपी चेक, लेकिन इससे जो है पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका बैटरी हो गया है डाउन, तो जा करके बैटरी ले आते हैं, इसमें 4 बैटरी लगती है, तो पास में ही दुकान है। और जिया का जो है आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो है इसको चक्कर आना, हमको लगता है कभी बीपी लो रहता है कभी हाई रहता है, शायद ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ देर में करेंगे चेक, तो उसके बाद पता चल ही जाएगा कि आखिर क्या इशू है क्या नहीं है। तो चलते हैं, और भी कुछ सामान लाना था ना, ग्रुप में लिख दिए, लिख दी ग्रुप में, ठीक है चलो चलते। बैटरी था 4, एक फेविक्विक, एक मिरिंडा 20 वाला और एक ग्लूकोज, और कुछ चार सामान और कुछ बस हो गया। ले लिया जी सारा सामान, अब सीधा चलते हैं यहाँ से घर। यहाँ पे पतिदेव बैटरी लगा रहे हैं बिल्कुल जी, और यहाँ जो चारों बैटरी है इसका क्या किया जाए, बचपन में क्या करते थे इसका, हम लोग खेलते थे। तुम खेलती थी, हम क्या करते थे, गोबर गैस वाला एक कंसेप्ट था, इससे हम जो है बल्ब जलाते थे, छोटा जैसा आता था 3 रुपया में, हाँ छोटा सा आता था, तो बड़ा काम करता था, इतनी सगा विद की संगा बिल्कुल। हम लोग भी किसी किसी चीज में बल्ब आता था तो उसको खोल लेते थे, उसमें लगाया जाएगा फिर चेक किया जाएगा कहीं मशीन गड़बड़ ना हो, उम्मीद करते हैं मशीन तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बैटरी का क्योंकि अभी तक यूज ही नहीं हुआ, इसका नया का नया रखा हुआ है, लेकिन रीडिंग जो है कुछ उल्टा सीधा दिखा देता था, हर हमेशा मेरे साथ होता था और सबका। एक बार भी चेंज हुआ इसका, नहीं आया है, मुझे लगता है बैटरी का इशू होगा, डैडी का भी शायद उल्टा सीधा दिखा दिया था, लेकिन टेंशन में आ गए थे, फिर क्या हो गया ये चेक किया जाए। बाहर मौसम काफी ही अच्छा है, हम अभी बाहर जा नहीं सकते, कहते हैं शाम में नहीं जाना चाहिए। क्या बैटरी तो हो गया है सेट, ऑन करके देखते हैं, ऑन तो हो रहा है, देखो स्टार्ट भी हो गया, अब लगा के देखते हैं। अपने में टेस्ट करके देख लिया कि इसका रीडिंग सही आ रहा है कि नहीं, तो मेरे में तो सही दिखा रहा है, जितना होना चाहिए नॉर्मल आदमी का बीपी उतना तो मेरा है, लेकिन जिया का जो है कुछ ज्यादा ही कम दिखा रहा है, 55/34, ये तो कुछ अति कम है, कैसे विश्वास करें इतना, इसमें तुम खड़ी कैसे है। इधर पतिदेव रीडिंग कर रहे हैं और हम अभी सबके लिए नाश्ता बनाएंगे, नाश्ते में आज चिप्स, माँ बोल के गई है तलने के लिए, चिप्स निकालते हैं फिर तलेंगे और सबको देंगे। आपको तो नहीं देंगे, आपको चिप्स नहीं देंगे, आप मूंग खाइएगा ना। नहीं, हम ये भी खाएंगे, तो नहीं खाएंगे, मेरे लिए कही थी बनाकर। ये बोले क्या, आज से अब ज्यादा ऑयली हम नहीं खाएंगे, और एक दिन बस इन्होंने अच्छे से मतलब पूरा दिन ऑयली कुछ नहीं खाए, आज अभी मैगी खाए, अभी फिर बोल रहे कि आज हम बहुत दिन से चिप्स नहीं खाए, चिप्स खाने के लिए दो, इनका एक दिन का होता है सब चीज। यहाँ पे हमारा चिप्स तल गया, घर हम मुंह धो के रखे हैं, इसे भी बनाना है।
देख सकते हैं हमारा बन के हो गया तैयार। चलते हैं डैडी को दे आते हैं। डैडी को तो हम नाश्ता दे दिए और यहाँ पे भी सबका लगा दिए और सबको दे देते हैं आपका नाश्ता। तो अभी हम आए हुए थे जी माँ के साथ दुर्गा मंदिर, यहाँ पर दुर्गा आरती हो गई, उसको अटेंड कर लिया हमने। अब उसके बाद जो है आरती भी ले लिया है, तो प्रसाद लेकर के चलते हैं। The next day सुबह सुबह आए थे वॉक करने के लिए, वॉक कर लिया जी, जिया भी वॉक कर लिया, अब नीचे गई वहाँ चाय बनाने। यहाँ पर आज जो है पौधों में हमने पानी डाल दिया है, वैसे पानी तो डालते थे पापा, लेकिन पापा का जो है आज से मॉर्निंग कोट शुरू हो गया, तो वह सुबह सुबह चले जाएंगे तो उनके लिए टाइम नहीं रहेगा यहाँ पर पानी डालना, तो हमने ही डाल दिया है। तो अब हो गया सारा काम जी, अब सीधा चलते हैं नीचे। अभी आप देख रहे होंगे जिया वहाँ बेड पर बैठी है और हम यहाँ नीचे अपना बिस्तर लगा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कारण क्या है जी, बैक पेन हो गया जबरदस्त। आज हम निकलने वाले थे कहीं बाहर, फिर जो हम गए अंगूर लेने के लिए, सोचा कि थोड़ा अंगूर खा लेते हैं। जी मेरा आदत है सामने में जो चीज दिखता है एक बार जो है उसको मुँह में जरूर ले लेते हैं, तो वही लेने गए अंगूर। अंगूर जैसे लेने गए फिर लगा कि एकदम मारा झटका जबरदस्त कमर में, वो जो झटका मारा है अभी तक उस झटका से उभरे नहीं है। सुबह 7 बजे ऐसा सीन हुआ था और अभी बज रहे हैं दिन के 10, तो सारा काम धाम जो है चौपट है और आराम से जो है हम बैठ गए हैं यहाँ कुछ देर तक, तो अपना मूवी देखे। कमर दर्द से जो है ध्यान हट करके थोड़ा उस पर जा रहा है, कुछ मूवी कुछ ब्लॉग, और ज्यादातर हम देख रहे हैं अर्जुना हरजाई का ब्लॉग, उसमें कीचो का जो देख रहे हैं शैतानी बदमाशी नटखटपन वो सब मजा आ रहा है। उधर जिया अपना पी रही है सत्तू और इसको पीना था बनाना शेक, वो अभी तक पी नहीं है। उधर जिया की भी हालत खराब है, उसको भी चक्कर आ रहा है और मैं पड़ा हूँ बेड पे, तो कुछ ऐसा सीन है अभी। बढ़िया है तुम्हारा सिंहासन है मेरा ये। तो जाओ जल्दी से उस स्विच को ऑन कर दो, वही एक सहारा है अभी समय काटने का। अरे बाप रे, फिर कमर में मारा। चल क्या बोल रहे थे आप, ऐसे मत वीडियो बनाओ मेरा, है ना। बैठ कर के ये नहीं कि सेवा करे, ताना दे रही हो खाली। नाम दे रहे क्या ये इंसान, बस उनको ताना देता है। मेरे अंदर कमियां क्या है बस वही निकालते हैं, खूबियां क्या आज तक नहीं बताते। देखो तुमको जो है ना अच्छा बात बोलते याद रहता ही नहीं, नाखून इनका बड़ा हो चुका है, हम बोले कट कर देते हैं तो हमको नहीं आता है कट करने। तो अच्छा हुआ कि आप ये बात बोले कि हमको नहीं आता है कट करने। शादी जब से हमारी हुई है हमको लगता है 1 से 2 बार कट किए होंगे, और लास्ट टाइम जब ये कट किए थे तो अपना नाखून के साथ साथ ये साइड अच्छा। वाला भी कट करते तो तुम ही ना आदत खराब की, हम तो नहीं की आदत खराब, हम तो अपने काटने के लिए तैयार थे। कभी नहीं काटते हैं नहीं, उनको बोलेंगे नाखून काट, अपना समय लेकर के काटे की नहीं, तुमको तुरंत एकदम कटना चाहिए। ये पूरा इतना बड़ा कर देते हैं तब काटते हैं, तो हम जैसे अभी बोलेंगे थोड़ा सा बड़ा हुआ कट कर देते हैं, तो नहीं अभी नहीं रहने तो बाद में हम खुद कट कर लेंगे। बिल्कुल कट कर लेंगे, पहले ठीक तो हो जाइए। हाँ नहीं ऐसे करते ही नहीं, अभी हम छोड़ेंगे ही कट करेंगे नहीं, फिर जब हम कट कर देंगे तो बोले तुम ही तो आदत खराब की है। अच्छा बहुत बढ़िया, चिट भी मेरा पट भी मेरा, चलो हटो। The next day. जी आज थोड़ा कमर दर्द से राहत है, कल तो पूरे दिन बेड पर ही पड़े रहे के, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, कुछ देर पहले ही सो करके उठे हैं। आज हमें निकलना था अपने भाई के जनों में जो कि है फारबिसगंज में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस कमर दर्द की वजह से आज हम नहीं जा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि कल हम जाए सुबह, और तबीयत अगर ठीक नहीं रहा जाने लायक तब तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलने में, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ जाए। बहुत कमर दर्द से तो परेशान है सही में, फिर भी टल्ली मारता है। कल तो पूरा रेस्ट में ही इसी के चलते हम यहाँ डाइनिंग टेबल को इधर करती हूँ ताकि नीचे में सोएगा हार्ड बेड पर। बिल्कुल जी, कल हम लोग रात में यहीं पर सोए थे, माँ दुर्गा के मंदिर में इसको लेके जाते थे, लेकिन इसको कल कमर दर्द इतना हो गया कि हम नहीं जा पाए। बताने माँ दुर्गा क्यों नाराज हो गई।